Oh my god. Oh my god. Oh my god. Wow. Oh my god. Wow. क्या बात है. Wow यार. बहुत ज्यादा. Wow यार. Oh my god. Wow. इसको देखना ही आई लव यू. आई लव यू. आई लव यू. आई लव यू. कितनी खुश है देखना यार ये. Hey, what's up everybody? क्या हाल चाल. सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है बिकॉज मैं आज आपको एक ऐसी जगह लेकर चला हूँ अगर आपका डॉग एग्रेसिव है या फिर आपके डॉग को आपको ट्रेनिंग दिलवानी है तो ये सबसे बेस्ट प्लेस है. स्पेशली अगर आपका डॉग एग्रेसिव है मतलब तो बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि डॉग लेके आते हैं विद टाइम डॉग थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है और वो मालिक तक को काट लेता है तब मजबूरन या तो वो डॉग को किसी NGO में दे देते हैं या फिर ऐसे छोड़ देते हैं और कई लोग तो इलीगल वे से उनको मरवा भी देते. तो गाइज ये वीडियो ज़रूर देखना अगर आपके नोन में या आपका कोई डॉग एग्रेसिव है बिकॉज ये लोग ऐसी जगह मैं आपको लेके जाने वाला हूँ जहाँ आपके डॉग को इस तरीके से ट्रेन कर दिया जाएगा विद टाइम आपका डॉग बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं रहेगा. स्पेशली एनिमल के बिहेवियर के ऊपर ये लोग काम करते हैं. तो ज़्यादा समय ना लेते इस व्लॉग को शुरू करते हैं. मेक श्योर पूरा व्लॉग देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि कैसे डॉग को ट्रेनिंग दी जाती है कैसे डॉग को बिल्कुल एग्रेसिव से शांत बना दिया जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके गाइस सो फिलहाल जो है मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली और आज ना मतलब मैंने जैसे व्लॉग की स्टार्टिंग में बताया था आपको तो मतलब बहुत बहुत अमेजिंग बच्चे दिखाने वाला हूं डॉग्स दिखाने वाला हूं साथ ही साथ मतलब ट्रेनिंग का ना एक नेक्स्ट लेवल जो होता है ना वो चीज़ मैं आपको स्पेशली दिखाने वाला हूं. सो अभी बाहर मैं आ चुका हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं डॉग विला. ये बहुत डॉग्स विला ये बहुत सही चीज़ लिखी हुई है. तो अभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं. चलिए यहाँ पर आ चुके हैं. अरे 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 हेलो मैम कैसे हैं आप. हेलो जी कैसे हैं भाई साहब आप. अरे वो देखो बाहर 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 के आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. वाह क्या बात है मैम बहुत ज़्यादा ही सुंदर सेटअप है क्या बात है. अच्छा यहाँ पे ये जो आप बता रहे थे ये इधर भी सेटअप है साथ में एक और. अच्छा अच्छा दोनों सेटअप अलग अलग बनाए हैं आपने. वाह यार मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें वॉल पे देख सकते हो. ओके ये देखना कितना खुश है. ये हैप्पी बर्थडे है. हाँ वाओ. सो मैम मेरे को थोड़ा सा आप एक बार ना यहाँ के बारे में बताइए स्पेशली कि आप. अरे 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 अच्छा आपको याद है तो हम दोनों से आपसे और भैया से हम मिले थे अभी करनाल डॉग शो में. हाँ उस समय आई लव यू नहीं बोल रही थी आज आई लव यू बोल रही है. आई लव यू को ना एक बार थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताइए यहाँ पर जो है स्पेशली आप किस किस चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं. सर नॉर्मली बेसिक ट्रेनिंग डॉग्स की सिट डाउन स्टे हेलो ब्रिंग और सर लीटर ट्रेनिंग कहाँ पे सुसु करना है कहाँ पे नहीं करना और सर केनाइन ट्रेनिंग सर केनाइन ट्रेनिंग और सर बोर्डिंग. केनाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं आप ऐसे. सर काटना नहीं सिखाते वो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है एजिलिटी सेशन वगैरह ये सब सर. अच्छा तो मतलब मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो मेन ट्रेनिंग है वो है जो डॉग्स एग्रेसिव है सबसे मेन उनकी बिहेवियर को जो है वाओ. सर अननोन को मतलब पसंद नहीं करते घर में आने देते सर बिल्कुल भी और एग्रेसिव हो जाते हैं चलते चलते साइकिल पकड़ते हैं बाइक्स पकड़ते हैं चेजिंग करते हैं सर और लीश पुलिंग करते हैं और सर मेनली सर खाना जब आप डाल रहे तो हाँ बाउल एग्रेशन वो अपने खाने या वाटर बाउल को हाथ नहीं लगाना देते बिल्कुल भी. हाँ हाँ तो मेरे को ना एक वीडियो मैम अभी दिखाए थे एक डॉग की वो डॉग भी यहीं पे ना सेंट बर्नार्ड सर सेंट बर्नार्ड यहीं पे उनने तो 60 टाके आए उन बेबी के हाथ में जहाँ से जिसने उसको काटा था है ना. तो मैं वो वीडियो भी आप हमारे को दिखाए हमारी ऑडियंस को. गाइस मैं आपको भी एक किस्सा बताता हूँ. यहाँ पर एक सेंट बर्नार्ड है जो बेसिकली ट्रेनिंग के लिए आया हुआ है और उस सेंट बर्नार्ड ने एक सिर्फ 7-8 साल के बच्चे को काट लिया था बिकॉज उसके सामने मतलब कुछ सामान पड़ा था वो उठा रहा था तो उसने उसको काट लिया था और उसके बाद वो यहाँ पर आया है एंड उसका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है. मैं अभी आपको वो CCTV क्लिप दिखाता हूँ जिसके अंदर जो है उस डॉग ने जो है उस बच्चे को काटा था और उसके बाद आज जो है वो डॉग का बिहेवियर कैसा है आफ्टर मतलब लॉन्ग टाइम ऑफ लॉन्ग टाइम ऑफ ट्रेनिंग. कितने दिन के बाद अब 15 डेज हुए उसे अब इसको सिर्फ 15 डेज हुए हैं अब वो काम है अब हमारे संग काम है. ओके गाइस सो ये है वो डॉग जिसके बारे में अभी मैं वीडियो कर रहा था. मैं पास नहीं जा रहा बट भाई बता रहे भाई अभी तो इसको सिर्फ 15 दिन हुए हैं और मैं देख सकता हूँ कि आपको ये कुछ नहीं कह रहा. सर मैंने इसके साथ ट्रेनिंग करी इसका अल्फा भी मैं हूँ सर.
अच्छा इसलिए अभी कुछ नहीं कह रहा मेरे को और मैम को भी कुछ नहीं कहता सर मैं सबसे पहले ना एक जने से कनेक्ट होना डॉक्टर जरूरी है हाँ हाँ ताकि वो सबसे कनेक्ट करवाए दूसरों को पॉइंट 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 और आपको क्या लगता है अगर कोई मतलब कोई पेट पेरेंट आपके पास कोई अग्रेसिव डॉग और अगर कोई पेट पेरेंट अपना कोई अग्रेसिव डॉग आपके पास छोड़ के जाता है तो आप कितना आपको क्या लगता है कितना टाइम लगता है एक अच्छे से वो डॉग के बिहेवियर के ऊपर है नॉर्मल होगा सर ज्यादा अग्रेसिव डॉग नहीं तो सर आराम से 4 5 मंथ ज्यादा अग्रेसिव है तो 9 मंथ्स का कोर्स है बिल्कुल डॉग ठीक हो जाएगा वाओ सो आपको मतलब ये चीज क्लियर कर दी गई है कि अगर आप अपना कोई डॉग अग्रेसिव है इनके पास छोड़ते तो ऑलमोस्ट आपको टाइम देना पड़ेगा ताकि उस डॉग को अच्छे से ये ट्रेन कर सके राइट सर मैं इंग्लिश मैस्टिफ से भी मिलवाऊंगा उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया तो मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया तो वो तो और इससे भी ज्यादा अग्रेसिव था अच्छा यार वाह तो ये अभी मतलब और यहाँ पे मैं अभी आपको सेटअप भी दिखाऊंगा बहुत सुंदर जो है सेटअप है आधा सेटअप इधर है आधा सेटअप उधर है और मतलब प्रॉपर हर एक चीज़ की फैसिलिटी है उधर एसी भी मैं देख सकता हूँ इधर मैं कूलर दे सकता हूँ अंदर अभी आपको मैं रूम्स भी दिखाऊंगा तो किस कंडीशन में यहाँ पर सारे बच्चे रह रहे हैं ओके गाइस तो यहाँ पर अभी मैं आपको रूम दिखाता हूँ अच्छा इसको लड़के को आपने पहचाना ये उस दिन करनाल डॉग शो में भी आया हुआ था और अंदर इनके प्राइजेस भी हैं मैं अभी अंदर गया था तो इनके बहुत सुंदर सुंदर प्राइजेस भी इन लड़कों ने जीत रखे हैं वाओ यार अच्छा आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पर खुद के कितने डॉग्स हैं सर मेरे खुद के 5 डॉग्स हैं टोटल मतलब खुद के सर 5 डॉग्स हैं बाकी मैंने और भी अभी अडॉप्ट करे 2-4 डॉग मतलब टोटल मिला के 9 डॉग्स मोस्टली आपके जितने डॉग्स हैं यहाँ पर वो अग्रेसिव अडॉप्टेड है जो बाद में ठीक हो चुके हैं ओके वाओ यार इसको देखना ही आई लव यू आई कितनी खुश है देखना यार ये वाओ तो ये कितनी एज की हो गई अभी सर ये अभी 1.5 साल की अच्छा ये तो बच्ची है आई लव अच्छा 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 बड़ी बात हाँ 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 तो अभी यार ये मतलब बहुत ज्यादा जायंट है यार ये मतलब इसकी कितना वेट कितना होगा कुछ आइडिया है आपको 90 केजी वेट है इसका वाओ यार ये शेर तो नहीं है प्रॉपर और देखना और ये अग्रेसिव था हाँ जी सर ये पहले अग्रेसिव था ये अपने आप जाता है कौन से लेवल पे था ये डॉग कुछ आइडिया मतलब डॉग से बिल्कुल नहीं मिलता था डॉग फ्रेंडली तो बिल्कुल भी अच्छा डॉग फ्रेंडली नहीं था बिल्कुल भी वो कोई नहीं तो ये डॉग फ्रेंडली नहीं था अब ये डॉग्स के साथ रह रहा है फुल टाइम बिल्कुल सर और कैट्स वैट्स के साथ भी कैट्स के साथ कोई भी अदर एनिमल सर कोई भी अरे वाह यार हॉर्स कैमल्स कब तुम तो यार मैजिशियन हो भाई वाओ क्या बात है अच्छा तो आप इनको प्रॉपर वॉली ट्रेनिंग भी देते हैं जो हाय हेलो ओए 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 ओ माय गॉड वाओ अरे वाह वाओ क्या बात है वाओ अरे वाह सर ये मेरा वजन भी संभाल लेता आराम से अच्छा इसके ऊपर तो बैठ के सवारी की जा सकती है भाई बहुत शेर जैसा डॉग है तो अब ये फुल टाइम आपके साथ ही रहता है फुल टाइम हमारे साथ है ओनर से बिल्कुल हैंडलिंग तो यार अच्छा एक चीज मैं भी देखता हूँ कि इतना सारे डॉग्स हैं मतलब इनके कितना एक्सपेंस क्योंकि मुझे पता है ये जिस लेवल पे आपने इसको मेंटेन किया इसका खाना बहुत ज्यादा ही खाता होगा राइट चिकन खाते हैं सर मैं भी आपको चिकन राइस इन सब का बोनलेस आता है सर डॉग्स का किचन है हमारा किचन बगल वाले आप फुल टाइम आप देखिए गाइस आप देख सकते हो कि कितना टाइम लगता है इन सभी के ऊपर और ये मेरे को भी देखो अभी मतलब मैं इसको टच करना चाहता हूं और मैं करा भी है लास्ट वीडियो में मैंने इसको टच भी किया था बहुत प्यारा बच्चा है यार ये ओके गाइस तो ये जर्मन शेफर्ड जो है ये कितने टाइम का होगा वैसे मैम सर ये 9 इयर्स का होने वाला है वाह और ये कितने टाइम से आपके साथ ये बहुत टाइम से थे हर साल आया था इसे जब इसको वो हिप डिस्प्लेसिया का प्रॉब्लम आई स्टार्ट बचपन में हिप डिस्प्लेसिया था इस वाले लेग इसके वर्किंग भी नहीं थे बिल्कुल अच्छा थेरेपी दी कर तो सर अभी ठीक ओह माय गॉड वाओ क्या बात है वाओ यार ये सबसे हार्ड ट्रिक है सीढ़ी पे चढ़ना डॉग्स की बहुत ज्यादा वाओ यार वाओ 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 क्या बात है अरे वाह तो आज के बाद मतलब इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और नाउ ही इज लाइक जंप कर रहा है बहुत अच्छी बात है यार बहुत मतलब इसके ऊपर बहुत टाइम लगा होगा इस चीज को लेके बट या विद टाइम ये सारी चीजें ठीक हो गई हैं वाह अरे 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 अब छोड़ेगा नहीं
सल्यूट सल्यूट यस ओह माय गॉड वाओ क्या बात है उसको देखना डन बैक बस यार एक चीज है इसकी मैं जिसको डांटूंगी उसे डांटने लग जाता है अगर सर मेरे कंधे पे अपने हाथ रख दिया तो उसको पकड़ने लग जाएगा ये देखो ये हाथ पागल हो रही है ओह माय गॉड वाओ मेरे को एक चीज पता लगी कि आप जो है स्पेशली दिल्ली से जो है सेशन के लिए मुंबई भी जाते हैं सर मुंबई भी जाते हैं सर हमारे बॉलीवुड के तो एक्टर्स हैं कुछ सर हमारे जानने वाले प्रोड्यूसर्स हैं तो वो सर अपनी ट्रेनिंग के लिए यहां से स्पेशल मुंबई जाते हैं तो आप क्या मंथली जाते हैं वीकली जाते हैं कैसे वीकली सेशन देने जाते हैं वीकली डॉक की ट्रेनिंग होती है फिर वीकली उसकी हॉलीडे होता है वो वीकली वीक वाओ यार गाइस तो मैं आपको ना मतलब सारी डिटेल तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा ही तो आप ना अगर मुंबई से हैं तो आप जो है स्पेशली ब्रदर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इनका आना ही होता है स्पेशली मुंबई में और अगर आपने मुंबई में अपने किसी पेट को कोई डॉग को ट्रेनिंग दिलवानी है सो मेक श्योर आप इनको कांटेक्ट करें बाकी मैं चाहूंगा कि यार मैं एक बार अंदर सेटअप दिखाता हूं सारे आपने इतने सारे रूम्स तैयार किए हुए हैं तो कैसे कौन कौन से रूम में कौन कौन सा डॉग है हमें पता तो लगे ओके गाइस सो यहाँ पर मैं आपको भी एक रूम दिखाता हूँ अरे ये देखो बेड के ऊपर तो यहाँ पर बेसिकली आप खुद यहाँ पर स्टे करते हैं भाई स्टे करता हूँ जो भी डॉग्स है जिसको मतलब प्रॉब्लम्स है मैं उसको अपने साथ ही रखता हूँ ये देखना ये हेलो ओके ये तो बहुत ज़्यादा हैप्पी चाइल्ड है बहुत ज़्यादा हैप्पी चाइल्ड है तो यार मतलब मोस्टली आपकी जो दिल्ली के अंदर ट्रेनिंग्स हैं वो आप यहीं पर कोशिश करते हैं कि यहीं पर डॉग आ जाए तो आप डे ट्रेनिंग भी करते हैं कि अगर डॉग दिन में आए और शाम को स्कूल की तरह प्रॉपर सर डॉग स्कूल की तरह ही सुबह डॉग अपने पेरेंट्स लेके आते हैं डॉग्स को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं सर एंड रात के अंदर इसको पिक करने लेके जाते हैं वाओ यार ये बहुत सही चीज है बिकॉज मेरा मेन पर्पज ट्रेनिंग वाली जगह को दिखाने का ये है गाइस कि ना बहुत सारे डॉग्स हैं बहुत ज़्यादा स्पेशली मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने डॉग को ट्रेनिंग दिलवाऊँ और अगर मतलब कितने सारे मेरे फॉलोवर्स हैं जो दिल्ली से हैं हमारे सब्सक्राइबर जिनको मतलब पता ही नहीं है कि कौन सी सही जगह है जहाँ पे हम ट्रेनिंग के लिए अपने डॉग्स को भेजें जहाँ पे डॉग्स एटलीस्ट डॉग को पीटा नहीं जाएगा या डॉग्स के साथ क्रुएलिटी नहीं की जाएगी तो मुझे पता है कि यहाँ पर जो है बिल्कुल बच्चों की तरह डॉग्स को रखा जा रहा है आप देख सकते हैं कितनी सफाई मेंटेन किया एज वेल एज बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी पोलाइट आप देख सकते हैं और अभी जो है ये देखो ये मस्तियाँ कर रहे हैं अच्छा वैसे इधर का मैं सेटअप एक बार आपको इधर से दिखा देता हूँ ऊपर से कि यहाँ पर भी जो है प्रॉपर इतनी ही जगह है इधर साइड जो है प्रॉपर इतनी ही जगह है उधर साइड जो है एग्रेसिव डॉग्स रखते हैं हम स्पेशल रहते हैं सर वहाँ पे एसी दिया हुआ उनको वहाँ एग्रेसिव रहते हैं क्योंकि सर वो मिलती है ना किसी से सोशलाइज नहीं है तो बार करते रहते हैं धीरे धीरे करके उनको आप सोशलाइज करवाते हैं हाँ बिल्कुल और सुगैस अभी जो है फिलहाल भैया गए हैं साथ वाले जो एग्रेसिव सेक्शन है उसमें से एक बहुत ज्यादा अमेजिंग डॉबरमैन को लेने और ना मतलब एक चीज तो मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप कोई पपी लेते हैं ना विद टाइम आप पपी को अगर आप स्टार्टिंग से ही उसको ट्रेनिंग दिलवाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है बिकॉज पपी बहुत जल्दी सीख जाता है एज कम्पेरेटिवली टू बड़ा डॉग अरे वाह यार कितना प्यारा डॉबरमैन है गुड बॉय मैक्स बिल्कुल फ्रेंडली हो गया वाह अच्छा ये एग्रेसिव था ये सर बहुत ज्यादा एग्रेसिव था ये सर दूसरे कैनल से भी आ गया उनसे भी नहीं संभला था सर ये अच्छा तो मतलब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा ऐसा आप अलग क्या करते हैं जो डॉग की एग्रेशन कंट्रोल हो जाती है सर एक है थेरेपी होती है डॉग की रनिंग ये सब चीजें सर मेंटेन रखनी पड़ती है तभी डॉग की ना हैंडलिंग ठीक होती जाती है इसके हिसाब से सर डॉग ठीक अपना एग्रेशन लेवल ना डाउन करता रहता है सर रनिंग होती है एजिलिटी सेशन होते हैं उसके अंदर डॉग को भगाया दौड़ाया जाता है हां टाइम दिया जाता है टाइम और उसको देते रहो जिससे उसके अंदर केयर के अंदर ना डॉग एक टाइम पे खुद केयर करता है पॉइंट 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 ओके गाइस तो मैं अभी आपको इनका किचन दिखाता हूं तो जहां पर जो है एग्जैक्ट डॉग्स की सारी मील बनती है सर डॉग वेज है नॉन वेज है डॉग फूड लेता है या ब्रेड दही लेता है तो यहां से सर सारा तो जो आप बेसिकली डॉग को ट्रेनिंग का जो भी आपका पैकेज है उसके अंदर आपकी मील्स इंक्लूड रहती है उसके अंदर खाना पीना सर सब अच्छा यार एक चीज मैंने नोटिस की है बहुत जो कि बहुत अच्छी बात है कि ना बहुत सारे डॉग्स जब ट्रेनिंग सेंटर पे हम डॉग्स को भेजते हैं तो वहाँ पे डॉग की हालत ना जैसे भेजते हैं वो से हाफ होकर आता है बट यहाँ पर मैं एक देख सकता हूँ कि सारे डॉग्स ना वेल मेंटेन्ड है सर बिल्कुल वेल मेंटेन सर सर मेनली यही इनका यही चीज यही चीज सर जरूरी है इनकी मील को भी अगर एक ढंग से खाएंगे नहीं पिएंगे तो एग्रेशन ही आएगा इनको ट्रेनर सिर्फ ये नहीं होती कि उसकी ट्रेनिंग करना उसको भगाना दौड़ा उसकी मील उसकी हाइट वेट सब चीजें सर मैनेज की जाती है हाँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल एक जी ये अभी बता रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे शैतानी भी करते हैं ये टैब वैब तोड़ दिया
प्रॉपर्टीज मतलब टूटती रहती है, कोई इशू नहीं है। वाओ, अच्छा यार देख सकता हूँ इनके पास वो खुद के डॉग है, उन्होंने कुछ चैंपियनशिप्स भी विन की हुई। तीसरे डॉग शो का तो उसके अंदर मेरे दो डॉग विनिंग आए। हाँ हाँ, बेस्ट ऑफ ब्रीड के। वाओ यार क्या बात है, ये देखो यहाँ पे एक बहुत प्यारी जर्मन शेफर्ड की पेंटिंग भी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी देख के। और ये ऊपर हस्की बना हुआ है, ये हस्की देखो इसको तो मेरे से लाड़ करना है। हाँ बड़ी लाडली है भाई, तू बड़ी लाडली है। ओके हाँ, तो ये मैं गाइस आपको दिखाता हूँ। तो ये तो है बेसिकली इनका पैम्पलेट है, आप यहाँ देख सकते हैं कैनन पेट बिहेवियर स्कूल। तो यहाँ पर सारी की सारी जो है फैसिलिटीज दी हुई हैं, एज वेल एज यहाँ पर आपको मैं नंबर दे देता हूँ। बाकी आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर भी जो है सारी की सारी डिटेल्स इनके मिल जाएगी। एंड मेक श्योर टू फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, इनकी इंस्टाग्राम हैंडल जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, और लास्ट टाइम भी करनाल डॉग शो में जब हम मिले थे तो मेरे को था कि मैं जरूर आपके पास स्पेशल आऊं। एंड बहुत अच्छा सेटअप आप कर रहे हैं, और जो चीज़ आप कर रहे हैं ना, मैं चाहता हूं कि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लगे, ताकि डॉग जो एग्रेसिव है जिनको मार दिया जाता है अग्रेसिवनेस की वजह से दिया जाता है। सर मैं कहता हूँ हर डॉग को एक चांस जरूर मिलना चाहिए, है ना, अगर वो गुस्से में है, उसको जो दिक्कत होती है ह्यूमंस की होती है ना कि डॉग्स की दिक्कत होती है, हम उसे बनाते हैं ना कि डॉग हमें बनाता है। पॉइंट, ये बात बहुत जरूर नोट करने वाले की, अगर कोई अग्रेसिव डॉग है उसको एक चांस मिलना चाहिए, है ना, लोग उसको किसी ना किसी तरीके से मार देते हैं, इसको शर्ट करवा देते हैं, इसको घर से ही आउट कर देते हैं। आप बता रहे थे कि केस था कि डॉग को बाहर बांध कर चले गए, ये सब थॉर के साथ ही था। अच्छा, उसके पेरेंट्स ने उसको बाहर रख दिया था, तो उसे हम ही आपका डॉग के ऊपर बांध दिया था। तो यार दिल्ली के जितने भी लोग हैं, अगर आपका कोई डॉग अग्रेसिव है तो आप प्लीज एक बार चांस दें भाई के पास जरूर। मेरी सजेशन है कि आप भाई के पास जरूर कांटेक्ट करें, ताकि हो सकता है आपका डॉग विद टाइम अग्रेसिव ना रहे और फ्रेंडली हो जाए, ताकि उसकी लाइफ ही बन सके और आपका एक जो बेस्ट फ्रेंड है जिसको आपने बचपन से पाला है वो आपके साथ रहे।